औरंगाबाद के नामकरण को लेकर राजनीति अब तेज हो गई है। औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील ने जोरदार हमला किया है और उन्होंने कहा है कि आपकी राजनीति में हमारे जिलों को बीच में क्यों लाते हो और रास्ते पर उतरने के संकेत भी दिए हैं नामकरण के खिलाफ। सांसद इम्तियाज जलील ने ठाकरे सहित मुख्यमंत्री शिंदे पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि ये हमारा जिला है और हमारी मर्जी की इसका नाम क्या होगा, आप इसका डिसीजन नहीं ले सकते, राजनीतिक स्वार्थ के लिए सब कुछ शुरू है। सुनिए, इस देश के अंदर रहने वाले हर नागरिक, हर जाति धर्म के लोग जो है वो छत्रपति संभाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, अंबेडकर, फुले साहू का आदर करते आए हैं, लेकिन हमें और उनमें ये फर्क है कि हमने कभी भी इनका नाम लेकर अपनी घटिया राजनीति नहीं खेले है, हमने कभी भी इनका नाम लेकर अपने राजनीतिक रोटियां नहीं हमने सीखी है जो ये आज कर रहे हैं करके। इनका क्या लेना देना है हमारे शहर से, उद्धव ठाकरे साहब का क्या लेना देना है, लेकिन सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की खातिर एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब का आपका मेरे जिले से, मेरे शहर से क्या लेना देना है करके। अगर आपको नाम बदलना था और इस देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा है, डेमोक्रेसी जिंदा है, तो आप आना चाहिए था हमारे शहर में, पूछना चाहिए था, लोगों की राय लेनी चाहिए थी करके। अरे तुम्हारी सत्ता है आज के दिन, लेकिन न्यूटन का लॉ अगर पढ़े होंगे, अगर तीनों पढ़े लिखे अगर होंगे, तो समझ लो जो चीज ऊपर जाती है उसको नीचे आना पड़ता है। तो अहम मुद्दों को छोड़कर आप यही मुद्दों के अंदर देश को भटका रहे हैं। अब मैं ये एक सवाल करता हूँ, नाम तो दे दिए है आपने छत्रपति संभाजी महाराज का, क्या मेरे शहर के लोगों की बेरोजगारी, नौजवानों की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या किसानों की आत्महत्या खत्म हो जाएगी मेरे जिले से? क्या आज भी 8-8 दिन जो पानी मिलता है मेरे शहर के अंदर, 8-8 दिन, सुनिए कान खोलकर, संभाजी नगर के शहर के अंदर 8 दिन के बाद पानी मिलता है, कल से रोज आने वाला है पानी, 2 टाइम आने वाला है पानी। बंद करिए अपनी घटिया राजनीति की वजह से आप।